सरोकार। सांसद देवेंद्र नागपाल ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर की बैठक, कार्यकर्ताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में शामिल हुई राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, राम मंदिर कृष्ण मंदिर ने सूबे का बढ़ाया मान। दिल्ली से अयोध्या की पद यात्रा पर निकला युवक, युवाओं को नशा मुक्ति राष्ट्र के प्रति कर रहे जागरूक। गाजियाबाद के पूर्व बीजेपी पार्षद पर मुकदमा हुआ था, जो पुलिसकर्मी उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप। अलीगढ़ में वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर निकाला मार्च, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, यहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने G20 सम्मेलन के तहत शहर के विभिन्न स्थानों का सौंदर्यकरण और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने हजरतगंज स्थित ग्लोब पार्क का नामांकन G20 पार्क के रूप में किया है। पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ ग्लोब के बगल में G20 का 3D लोगो लगाने का निर्देश दिया है। उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने गोमती पार्क समेत शहर के सभी पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ ही फुटपाथों पर सिलिकॉन के पत्थर लगाने का अधिकारियों को जानकारी दी है। खबर लखनऊ से है, यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की खटिया राजनीति की असफल प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम केशव ने बताया कि राम मनोहर लोहिया भगवान राम को देश का कर्म और कृष्ण को हत मानते हैं, आज उनके नाम पर सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे विवाद में अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। जो कार्रवाई होती है वो होगी, वो अभी इसमें सरकार का हस्तक्षेप का विषय नहीं है। तो राजनीतिक दल के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, देश प्रदेश में सरकार चला रहे इस नाते हम लोग स्पष्ट तौर से इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि वो इस बयान के समर्थन में है या विरोध में है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था वह गलत कहा था कि या जो इनके नेता कह रहे हैं, इनके भोकू कह रहे हैं, वह सही कह रहे। खबर हरदोई से है, यहाँ बिहार के मधुबनी जिला निवासी राजन ठाकुर युवा उठो और चलो का संदेश लेकर राजधानी दिल्ली से रामनगरी अयोध्या की 700 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। इस दौरान 28 से 30 किलोमीटर चलकर युवाओं को नशा मुक्ति राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद शिक्षक सुरेंद्र कादियान को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। राजन कुमार है और मैं बेसिकली बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के बुद्ध विहार फेस्टू में रहता हूँ अभी और यहीं पे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। बीए का मैं फाइनल ईयर छात्र हूँ। तो मेरा जो मिशन है युवा उठो और चलो, वो मैं दिल्ली से अयोध्या तक की 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। इस मिशन के तहत जो आजकल के युवा जो नशे पत्ते की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं और गलत रास्ते पर जल्दी भटक जाते हैं, तो मेरा जो मिशन है उन युवाओं को राष्ट्रहित में काम करवाना है और अपने धर्म को लेकर जागरूक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी धर्म है, जो कोई भी मजहब हो, वो नफरत करना नहीं सिखाता है। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हो, राष्ट्र के रास्ते पर चलते हो, तभी आप एक हो सकते हो और जो मेरा सपना है वो तभी पूरा हो सकता है। और युवा उठो और चलो का मकसद भी यही है कि अपने राष्ट्र की ओर उठो, अपने धर्म की ओर चलो। खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर के अध्यक्ष विवेक टांगड़ी ने बताया कि हमारे सनातन धर्म की सबसे पावन पुस्तक रामचरितमानस है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में उल्लेखित तो शोषित वर्गों का अपमान हुआ है, यह सहमत नहीं हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नीचे पायदान के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का सदैव प्रयास किया है।
खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कान्हा उपवन में गो पूजन और स्वच्छ विरासत समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गो पूजन के साथ किया गया। विशेष सचिव नगर विकास राजेंद्र पेशिया ने कहा कि सड़कों पर फेंके जा रहे प्लास्टिक बंधे कूड़े गोवंशों के लिए जानलेवा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियां हेयर बाल का रूप धारण कर गायों की मौत का जिम्मेदार बन रही है। खबर अमरोहा से है, जहां मखदुमपुर गांव में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नेतृत्व में बरेली मुरादाबाद खंड के स्नातक चुनाव के प्रत्याशी जयपाल सिंह को विजयी बनाने के लिए मतदाता संपर्क सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की करह पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने सभी ने 30 जनवरी को भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह को भारी मतों से जीत लेने का आह्वान किया है। समस्त लोगों ने इसके अंदर आज सहभागिता की और जो हमारे क्षेत्र के जो भी मतदाता है उनको बुलाकर समझाने का कार्य किया कि किस प्रकार से जयपाल सिंह व्यस्त के जो नाम है उनके निशान नाम के सामने किस प्रकार से डंडा खींचना है और वही रखे हुए पेन से जो है अपना उस पर डंडा खींचना है, अपने पेन से नहीं करना, किसी पेंसिल से नहीं करना, ये सब समझाने का काम किया गया है। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव एक तरफा है, बात चुनौती इतनी है कि अंतर कितना बढ़ाना है। उस अंतर को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि भारी मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त होगी जयपाल सिंह व्यस्त जी। हरदोई में यूबी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पलटवार किया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्यवाही की बात कही है। हम लोग बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आज भी अपने जनपद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी प्रदेश सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि हम लोग अच्छे तरीके से अपने विकसित करें अपने देश को और अपने प्रदेश को। और जब हम देश को विकसित करते हैं तो हमारे प्रदेश की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, हमारे यहाँ रोज़गार की दिक्कत ना हो। तो उसी क्रम में जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में नगर निगम के भूतपूर्व हो चुके बीजेपी पार्षद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एक वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो में पार्षद पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पार्षद ने आरोप लगाया है कि पुलिस दुकानदारों से पैसा लेती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। साथियों, मेरे वार्ड के व्यापारी भाइयों को आए दिन पुलिस प्रशासन के 2-3 पुलिसकर्मी जो परेशान कर रहे थे। व्यापारी कल डीसीपी साहब से मिलने गए, लिखित में अपनी शिकायत दे गए। शिकायत उनकी ये थी कि कुछ पुलिसकर्मी है जो उन्हें आए दिन परेशान करते हैं, उनसे अवैध उगाही कर रहे थे। ठेली पटरी वाले दुकानदार, गरीब दुकानदार जो कोरोना जैसी महामारी में किराया नहीं भर पा रहे, वो 10,000 का चलान कैसे कटवा लेंगे। 10,000 का चलान काट रहे थे, लास्ट में कह रहे थे कि 5,000 रुपये में यहीं पर कंप्रोमाइज कर लो। जनता परेशान हो गए, मेरे ऑफिस पाई, उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि हम डीसीपी साहब के पास भी गए थे। जनता ने, मैं गया उनके साथ जाकर पुलिस कर्मियों से बात करी, उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द और मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं चाहूंगा ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस संबंध में संज्ञान लिया गया तो पता चला कि कल सुबह थाना साहिबाबाद क्षेत्र की पुलिस DLF एरिया में अतिक्रमण हटाने गई थी और इस संबंध में कार्रवाई कर रही थी, तो उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता किया गया था। इस संबंध में पुलिस कर्मचारी के द्वारा थाना हाजर पर तहरीर दिया गया है, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोक भवन में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान मेला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जैविक खाद, फसल से संबंधित दवाओं का स्टॉल, खेती के करने उपाय समेत अन्य स्टॉल शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैमुअल पोल एन, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन समेत अन्य कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यूपी दिवस के शुभ अवसर पर हमारा जनपद मुख्यालय पर कृषि संबंधित मेला और कृषि संबंधित वैज्ञानिकों से जो वार्तालाप आयोजन किया गया है, और उसके साथ साथ समस्त विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल्स की प्रस्तुति लोहिया भवन में किया गया है, और मुझे एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी लेने के लिए। और इसमें कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों का प्रस्तुति, उसके साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सरकार के योजना के बारे में और कृषि में कैसे दोगुना आय बढ़ाने के बारे में कृषकों को अवगत कराया गया है। और उसके साथ साथ हमारा ये 3 दिवस के कार्यक्रम में जो शुभारंभ कार्यक्रम भी आज हुआ है। खबर प्रयागराज से है, यहाँ रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र टिप्पणी करने और प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद सनातन समाज के लोगों में आक्रोश का माहौल है। भारतीय जनता महानगर युवा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर एकत्र होकर नारेबाजी की और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी दहन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा भारतीय प्रयागराज महानगर के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका पुतला जलाया गया है, जिन्होंने हिंदुओं के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का उनका पुतला दहन था। हम लोग मांग करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, उनको तत्काल समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले, और उनसे अखिलेश यादव भी माफ़ी मांगे और स्वामी प्रसाद भी मांगे और समाजवादी पार्टी भी अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का जो अपमान हुआ है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंद बुद्धि विवेकहीन व्यक्ति के द्वारा उसने हमारा सिर्फ हमारे ग्रंथ का जो अपमान किया वो किया ही किया, समस्त पूरे हिंदू सबका ये अपमान, और ये हम कतई नहीं सहेंगे। और ये तो उसके लिए बहुत छोटा सा था, उसको सीखना पड़ेगा, अगर यहाँ रहना है उसको तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म का अगर अपमान करेगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। पीएम मोदी द्वारा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के ऐतिहासिक सम्मान से नवाजे जाने के बाद कारगिल योद्धा योगेंद्र यादव के पैतृक गांव बुलंदशहर के औरंगाबाद अहिर में जश्न का माहौल है। लोग यहां ढोल नगाड़ों के साथ गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से परमवीर चक्र विजेताओं को विभिन्न प्रकार के सम्मानों से नवाजा जा रहा है। अलीगढ़ के दीवानी परिसर में आज अधिवक्ता जमा हुए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भारत सरकार के जरिए चलाई जा रही आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए और 5 लाख का बीमा कराया जाए। वहीं जो अधिवक्ता इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके जो दावे पड़े हुए हैं उनकी फौरन निस्तारण किया जाए। ज्ञापन माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार कुछ पॉइंट्स हैं जो ये चाहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा, और भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको एलिजिबल प्लेटफॉर्म पे पेश कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमें सभी सुविधाएँ प्रदान करें, हमें सम्मान प्रदान करें, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी ज्ञापन मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से दिया है। हमने मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह का आगे की रणनीति रहेगी? मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसके लिए हमारी जो कहना चाहिए उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल का जो निर्णय है जो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, हम उसका अक्षरश पालन करेंगे और हम नियमानुसार वचनबद्ध हैं। हम विधि के अंतर्गत रह के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आह्वान में हमारी संस्था जो है अग्रणी भूमिका निभाएगी। गाजियाबाद फायर डिपार्टमेंट को जनरल वीके सिंह ने सांसद निधि से एक फायर टेंडर दिया है। गाजियाबाद में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईराइज सोसाइटी बनी हुई है जहां पर गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत हुआ करती है। इसको ध्यान में रखते हुए फायर डिपार्टमेंट से बातचीत की फायर अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास गाड़ियों की कमी है जिसको लेकर दिक्कत होती है। फायर डिपार्टमेंट को और प्रभावी बनाने के लिए फायर डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि उनको कुछ और चाहिए थे,
तो उन्होंने कहा हमको पानी की जब जरूरत होती तो पानी थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा बाउजर अगर हमको मिल जाए तो हमको फायर फाइटिंग में आसानी होगी। तो अब अभी उनको एक गाड़ी के साथ मिला हुआ एक बड़ा बाउजर जो है वो मिला है, ताकि उनको जब भी वो कहीं जाए तो अग्निशमन में उनको दिक्कत ना आए। आज माननीय मंत्री जी द्वारा हम लोग को 12,000 लीटर कैपेसिटी का वाटर बाउजर प्रदान किया गया है, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है पानी की। हम लोग को अक्सर दिक्कत आती थी कोई फायर घटना पर पहुंचने में कि पानी जल्दी खत्म हो जाता था, तो हमें पानी जल्दी आसपास उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस वाहन से हमें तत्काल पानी, ज़्यादा पानी मिल पाएगा और हम लोग कोई भी घटना को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान से जुड़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में भी हिंदू संगठन के लोग इस फिल्म की रिलीज को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। देश भर में फिल्म को रिलीज न करवाने को लेकर हिंदू संगठन लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में भी सुप्रसिद्ध मल्टीप्लेक्स परिसर में बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए साथ ही थिएटर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फिल्म को रिलीज न करने की चेतावनी दी है। समाज में दुराचार और अनाचार की भावना प्रसिद्ध करना चाहते हैं, साथ में यह वही बॉलीवुड है जो धीरे धीरे समाज में जो जाति मतभेद खत्म हो रहा था, इस बॉलीवुड के ही माध्यम से वो जाति मतभेद बढ़ रहा है। इसलिए इसे बॉलीवुड को समझाने का जो सबसे अच्छा प्रयास समाज के द्वारा किया गया है बॉयकॉट ट्रेंड, इतना तेजी से चला फिर भी यह मूवी रिलीज हो रही है। हम सभी सिनेमाघरों से आग्रह कर रहे हैं कि जो जो भारतीय सभ्यता को खराब करने का प्रयास कर रहा है उनको हम मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और साथ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इन जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जो पाकिस्तान का प्रेम करते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना किया जाए। और सभी से आग्रह है, निवेदन है कि कहीं पर भी इस तरीके की जो समाज में समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहा है इनकी मूवियाँ कहीं पर भी ना लगाई। देखिए जो मांग आपने करी है और हम उसमें पूरी तरह सहमत हैं, जो हमारे भाई लोग कहते हैं हम प्रयास करेंगे वैसा ही हो, बाकी आगे के दिशा निर्देशों का पालन करें जो भी शासन प्रशासन का आदेश होगा। क्या मांगी इन लोगों ने? इन्होंने ये कहा है कि जो मूवी आई है पठान उसके संबंध में उसका सोशल बायकॉट किया जाए, तो उसके लिए। खबर प्रयागराज से है। यहाँ आज के दौर में समाज ऐसा हो गया है जब तक कोई स्वार्थ ना हो कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। एक युवा भूखी मानवता की सेवा के लिए संकल्पित है, अच्छे कार्य को देखकर धीरे धीरे लोग उसे जुड़ने के लगे हैं और एक संगठन बनकर तैयार हो गया है। दाल भात नाम का संगठन पिछले 5 साल से लोगों को भोजन कराने का नेक काम कर रहा है। दाल भात कार्यक्रम हमारा लगभग 5 वर्षों से चल रहा है, इसमें प्रतिदिन 1,000 से 1,200 लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। मुख्यतः यह जो दाल भात कार्यक्रम है ये गरीबों और निसक्तों के लिए ही है, और लेकिन इसमें मनाही किसी की नहीं है, क्योंकि संगम तट पर होता है तो कई बार क्या होता है कि गंगा स्नान करने के बाद तमाम स्नानार्थी भी आकर हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसकी शुरुआत आज के लगभग 5 वर्ष पहले अतुल मिश्र जी, जो माँ के अच्छे साधक हैं, उनका एक विचार आया और उन्हें ये विचार मिला भगवान अवधूत राम के परम प्रिय शिष्य अलख राम बाबा, जिन्हें प्यार से लोग सरकार बाबा भी कहते हैं। तो दाल भात नाम इसका इसलिए रखा गया कि दाल और चावल यही दान स्वरूप हम लोग लेते हैं। जो व्यक्ति दाल चावल या ये चीज़ें नहीं उपलब्ध करा पाता है वह धन उपलब्ध कराते हैं, तो हमारी संस्था स्वयं उसकी व्यवस्था करके प्रतिदिन यहाँ 1,000 से 1,200 लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में बने मां पीताम्बरा देवी के मंदिर में 12 जनवरी की रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरों ने मंदिर का ताला काटकर आभूषण और पैसों की चोरी की थी, इसमें पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये मां पीताम्बरा देवी मंदिर थाना बिठूर में दिनांक 12-13 जनवरी की रात में 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुसके चोरी की गई थी, इसी का आज सफल अनावरण हुआ है। उन 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कुंवरपाल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर जनपद कन्नौज और बाकी आसपास के राज्यों में भी काफ़ी मुकदमे हैं, कुल मिला के 20 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर इस प्रकार से है। और यह जनरली इसी प्रकार के पुराने मंदिर या ऐसे मंदिर जहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी हो या जहाँ पर लोग काफ़ी दान दक्षिणा देते हों उनको टारगेट करता था, और इससे जो इसने सामान चुराया था जिसमें कि जो देवी की मूर्ति है उसके ऊपर जो आभूषण चढ़े हुए थे वो, उनके द्वारा जो एक रजाई ओढ़ी हुई थी कंबल, वो
और बाकी दान पात्र से कुछ सामान चुराया था, एक वहाँ पे पवित्र शिवलिंग था उसको भी चुराया था, ये सब इससे बरामद हुआ है। इनके साथ साथ दो सुनार भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके द्वारा इनका पूरा सामान लेके उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्लानिंग की गई थी। खबर हरदोई से, जहां शाहबाद कोतवाली के मेहमंद निवासी एक किसान पर खेत की रखवाली करते समय सांड ने हमला कर दिया जिसे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय किसानों ने तत्काल घायल किसान को परिजनों की सूचना दी। घायल अवस्था में सीएससी ले जाते वक्त कालीचरण की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे शाहबाद कोतवाली के उप निरीक्षक रामलखन अवस्थी मृतक के घर पहुंचे। लोग जाते हैं गाय रखाने, और जब गाय रखा जा रहे थे तो अपने अपने खेतों पास हो जाते हैं। हम लोगों के यादवों के खेत इकट्ठा हैं, वहाँ हम लोग करीब 20 लोग थे जी, अकेले अपने खेत पास छूट गए। जब छूट गए तो उसके बाद में आधा घंटे बाद जो इन्होंने चिल्लाया है कि हाय बचाओ, तो हम लोग भाग के आए तो देखें कि पड़े हुए थे और इनका हमारे दर्द दर्द, तो इनको उठवाया। हमने कहा चलो घर पर, घर तक लाए, घर के लाने के बाद इनको सौंपा और हम लोग अपने फिर घर पे चले गए। उसके बाद सवेरे जब मालूम हुआ तो खत्म हो गया। किसने हमला किया इन पे, कैसे काम? ये साल फिरोजाबाद के थाना एका पुलिस ने चोरी का ऑटो समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले रतन सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी पूठा पथारा थाना का एका जिला फिरोजाबाद से अपने टेम्पो चोरी होने का मुकदमा पंजीकृत करवाया था। देखिए 21 तारीख को थाना एका में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनका टेम्पो चोरी हो गया है। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके उस पर हमारी टीम काम करना शुरू की। SHO एका की टीम को उसमें सफलता मिली है। आज 24 तारीख को जो टेम्पो चोरी हुई थी उसके बारे में शिव मंदिर के पास मूवमेंट की सूचना मिली थी, उस पर हमारी टीम लगी और उन लोगों ने काले नाम का एक व्यक्ति जिसने इस गाड़ी को चुराई थी उसको पकड़ा गया और साथ साथ गाड़ी भी रिकवर की गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर औरैया से है। यहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि महिला कल्याण बाल विकास एवं पोष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज बालिका दिवस उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर, काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश की भव्यता बढ़ाते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का दिन बहुत ही पावन है और रैया में तो हम डीएम साहब के उसके संरक्षण में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम उन्होंने रखे और सारे बच्चों को यहाँ की जो अच्छी प्रतिभाएं थी उनको निकाल कर लाए। बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे जिनको उन्होंने पुरस्कृत कराया और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस का नाम 1950 में संयुक्त प्रांत दिवस जो था उसको हटा कर उत्तर प्रदेश पड़ा। आज हम सब लोग उसको मना रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की गरिमा ही अलग है। अयोध्या में राम का मंदिर है, काशी में कॉरिडोर है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो जो सुंदरता है हमारे उत्तर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का है, वृंदावन में, तो हमारा उत्तर प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ फिर भी एकता को पूरा संरक्षण देता है। हर जात हर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां गुलावठी थाना के चंदपुरा निवासी 15 वर्षीय मंतशा का शव मथुरा स्थित राया गंग नहर से बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने शव की शिनाख्त की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 6 जनवरी को मंतशा को घर से अगवा किया गया था जिसके खिलाफ किसानों ने एकत्र होकर थाने के बाहर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग की थी। कौन थे आपके? मेरी लड़की है जी, मंतशा नाम है, चंदपुरा गाँव है मेरा, और मेरी लड़की बाहर नाला हमारी जी वहाँ पानी लेने गई थी, वहाँ 3 लड़के उठा के ले गए। अब उनको पुलिस ने पकड़ लिया। वे 6 तारीख से ही बनुए कहते आ रहे हैं जी नहर में डाल दी, नहर में डाल दी। पुलिस बहुत कार्रवाई कर रही लेकिन लाश नहीं बरामद हुई, अब पता लगा है। तो आपके द्वारा वहाँ बुलंदशहर में मुकदमा दर्ज कराया गया था जी, गुलावटी थाने में, बराल चौकी में। 8/1/2023 को गुलावटी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 16/23 जो अपहरण के संदर्भ में लिखवाया गया था, जिसमें एक अपहर्ता जिसका नाम मंतशा है उनके पिताजी द्वारा यह मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें 3 नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
जब गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करी गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा मंतशा को सनोटा नहर में धकेल दिया है। उनके बयान के आधार पर पुलिस द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया था एवं गुलावटी एवं बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार अपरता की नहर में तलाश करी जा रही थी। कल रात्रि में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी रया थाना क्षेत्र मथुरा में मिली है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर गुलावटी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के मौके पर लखनऊ के गन्ना संस्थान के लाल बहादुर शास्त्री ऑडिटोरियम में यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया की तरफ से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत लोक शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर अंजुमन जैदी, डॉक्टर फिलिप, डॉक्टर एकर मैन ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य के द्वारा भारत सहित तीन अन्य देशों से आए 600 युवाओं को संबोधित किया गया। सनातनी सनातन धर्म के विरुद्ध जो हमारी सबसे पावन पुस्तक है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि इसमें दलित और शोषित वर्गों का अपमान हुआ है, तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सदैव ये प्रयास किया है कि जितने भी नीचे पायदान पे बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि शबरी का भी आप प्रकरण देख सकते हैं कि शबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए थे, आप केवट का देख सकते हैं, और इस तरीके के ना जाने कितने चित्रण हैं रामचरितमानस में। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम यदि चाहते तो राज सुख ना त्याग। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।